देखो भाई, जिंदगी चलती है गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स पे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ हो. तुम कुछ देते हो, कुछ लेते हो, सब कुछ बार्टर सिस्टम ही है. वही चीज तुम्हें करनी है एग्जाम में. तुम आंसर लिखोगे, मार्क्स लोगे, अच्छा कॉलेज, अच्छी मार्कशीट, सब सब मतलब सॉर्टेड रहने वाला ना. बट देयर इज अ बिग बट इन दैट, क्योंकि अगर तुम ढंग से वो नहीं दे पा रहे, तुम वो गिव नहीं कर पा रहे जो सामने वाला टेक करना चाहता, तो सामने वाला वो गिव नहीं करेगा जो तुम टेक करना चाहते हो. समझ रहे हो बात को? तो सीन कुछ ऐसा सा है भाई. सीबीएसई ने निकाली थी बिजनेस स्टडीज के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर और एक मार्किंग स्कीम. इस सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम को आज देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि सीबीएसई के जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, कॉपी चेकर्स होते हैं, उनके पास एज इट इज एक मार्किंग स्कीम जाती है जिसके बिहाफ पे उनको मार्किंग्स देनी होती है. जो यहां पे दिख रहा है तुम्हें, ये चीज उनको मिलती है एंड इसी के बिहाफ पे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं. अब इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है जो अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो हमारी आंसर शीट में वो एलिमेंट्स एड ऑन हो जाएंगे जिससे हमें पूरे पूरे नंबर मिलने वाले. तो मेरा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. और जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूं, अगर मैं हूं तो सब सॉर्टेड है, अगर रेडियो कैप्टन है तो सब सॉर्टेड है. तो चिंता मत करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो ढंग से देखो और फॉलो करो, पढ़ाई करो. लेट्स बिगिन. अभी तुम्हारा जो सैंपल पेपर है इसको हम आने वाले दिनों में लाइव बैठ के सॉल्व भी करेंगे, बट आज के लिए हम पढ़ते हैं. क्या है भैया, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 34 क्वेश्चंस है और 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर और 1 मार्कर भी है. ठीक है भैया, समझ गए. सबसे पहले तो 20 MCQs आते हैं 1 मार्कर. अब 1 मार्कर के अंदर हम क्या डालें, क्या ना डालें, कैसे लिखें, डजंट मैटर, क्योंकि 1 मार्कर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बस ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन का नाम लिखना है. ये बिल्कुल मत करना ABCD लिख के आ जाओ, पूरा उसके आगे कंप्लीट करना है कि ए तो क्या, बी तो क्या, सी तो क्या, डी तो क्या. ठीक है, ढंग से ये हमने कर दिया, बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड, कंसिडर्ड. उसके बाद जब 3 मार्कर क्वेश्चन आता है ना, तो हमें देखना है क्वेश्चन एग्जैक्टली मांग क्या रहा है. जैसे भी 21st क्वेश्चन है, ये हमसे डिमांड क्या करता है कि नेम एंड एक्सप्लेन. ये कहता है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाइलाइटेड अबव व्हिच स्टार्टेड एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ एंड इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले तुम्हारा 3 में से 1 नंबर होगा नेम का. ये अंडरस्टूड होती है बात कि आइडेंटिफिकेशन वाली जहां बात आ गई वहां 1 मार्क इसका बन जाएगा. ठीक है, और एक्सप्लेन जो है उसके 2 मार्क और बनेंगे. ओके भाई, एमएस अगर मार्किंग स्कीम हम देखें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जिसने लिख दिया, जिसने इतना लिख दिया उसका 1 नंबर तो पक्का हो गया. उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ कोऑर्डिनेशन दिया, 1 नंबर पक्का. उसके बाद उसने ढंग से बताया कि भैया कोऑर्डिनेशन होती क्या है, ढंग से अगर आप समझाओगे उसके बारे में 2 बातें भी लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे. नाउ दीज 2 थिंग्स मस्ट हैव एनसीईआरटी लैंग्वेज. मैं जब कह रहा हूँ एनसीईआरटी लैंग्वेज, आई डोंट मीन कि तुम रटने बैठ जाओ, आई जस्ट मीन टू से कि एनसीईआरटी में जो कीवर्ड्स होते हैं, सिंक्रोनाइजेस, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोसेस, एक ये लाइन लिखते हैं 1 नंबर पक्का है. उसके बाद फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 1 नंबर यहां पक्का है. इस तरह से तुम्हें देखना है कि मेरे आंसर में क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं जो मुझे मार्क्स ला के देंगे. अगर मुझे बातें ही घुमानी है, मैं जितनी मर्जी घुमा सकता हूं, बट उससे मार्क्स नहीं मिलते. मार्क्स मिलते हैं वैल्यू पॉइंट्स. देखा, नेम एंड एक्सप्लेन. अब एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे 2 मार्क कमाने हैं, मुझे टेक क्या करना है, 2 नंबर, तो मुझे 2 नंबर के वर्थ की बातचीत गिव करनी होगी. बस ये समझ के चलो. ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है, इसके अंदर कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन. ब्रीफली कहा तो कंसीडर दैट ब्रीफली 3 जस्टिफिकेशन. 3 नंबर में 3 जस्टिफिकेशन है, ई जस्टिफिकेशन फॉर 1 मार्क, तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचना, ध्यान रखना. ठीक है, अभी अगर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करने को कहा गया है तो विल जस्ट राइट 3. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ उन्होंने 4 दिए, बट अब पॉइंट क्या है कि जो मेरिट्स है ना वो हमें आइडेंटिफाई भी करने, राइट. तो यहाँ पे पूरे पूरे 3 नंबर नहीं है, आधा मार्क है हेडिंग का, आधा मार्क है एक्सप्लेनेशन का. अगर हमने 3 लिख भी दिए, बस हमने ढंग से लिख दिए, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं करते, सॉरी अपनी तरफ से लिखना. अगर तुम्हें 3 नाम भी याद है, हेडिंग भी तुमने पूछ ली, तो 3 में से 1.5 नंबर तो पक्का आ गया तुम्हारा. ठीक है, और कोई टीचर नहीं काट सकता, डजंट मैटर तुमने कैसे लिखा है, क्या लिखा, क्या किया, यहां 3 में से 1.5 नंबर तुम्हारा पक्का है. इस तरह से अगर हम मार्किंग स्कीम को एनालाइज करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मार्क्स मिलते किस चीज के. 3 नंबर का क्वेश्चन 3 का नहीं होता, वो 1.5 एक है, 1.5 एक है. पहले 1.5 के लिए आपको ढंग से लिखना है पॉइंटर्स, हेडिंग्स, और अगले 1.5 के लिए आपको एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है, मूविंग अहेड, जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को एक्सप्लेन कर दो, गिव अ सूटेबल एग्जांपल. अगला है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर दो, गिव अ सूटेबल एग्जांपल. अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हारा दिखाऊं तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के 2 नंबर हैं, एग्जांपल का 1 नंबर है. ये 2+1=3 का मतलब है एक्सप्लेनेशन के 2 एंड एग्जांपल का 1. अब भैया पता कैसे लगेगा किस चीज में कहाँ किसका 1 नंबर है, 2 नंबर है, और ये पता लगाना क्यों है? पता कैसे लगेगा भाई? प्रैक्टिस से पता लगेगा. ये वीडियो पूरी एंड तक देखो, उससे बहुत पता लगेगा कि सीबीएसई किस तरह से मार्क्स को डिवाइड करता है. ठीक है, मार्क्स की डिवीजन जो है वो किस बिहाफ पे होती है, ढंग से देखो. दूसरा, पता लगाना क्यों है? सपोज करो तुम्हारे सामने 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया जो तुम्हें नहीं आता,
बट जस्ट बिकॉज तुम्हें मार्किंग स्कीम की अच्छी खासी नॉलेज है, तुम्हें पता है कि मैं इसको किस तरह से और कितना लिख दूं कि मैं बस तीन लाइनें में लिख दूं तो पांच में से दो नंबर तो मेरे पक्के आ जाएंगे, या फिर तुम्हें एंड में टाइम कम पड़ रहा है, पांच नंबर का पूरा क्वेश्चन तुम्हें आता भी है, अच्छे से आता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग तीन पेज जिसमें तुम्हें एक ही नंबर मिले, तुम्हें पता होगा क्या कहां वैल्यू पॉइंट्स है, मैं चाहे एक पेज लिखूं, टाइम बहुत कम है, इसमें मैं दो तीन नंबर ले आऊं, तुम्हें पता होगा क्वेश्चन का कितना पार्ट क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद वी हैव, अच्छा मार्किंग स्कीम में है, उसके बाद वी हैव स्टेटेड थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल, डेढ़ नंबर, अगेन वन मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेटमेंट, तुमने तीन अगर ढंग से स्टेटमेंट्स लिख दी तो एक एक नंबर मिल जाएगा इनका पूरा, कोई एक्सप्लेनेशन की खास जरूरत नहीं है, कूल भाई समझ गए। उसके बाद एन्यूमरेट एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। बेनिफिट्स बताओ उस प्रोसेस के जिससे एप्टीट्यूड्स स्किल्स और एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पहचानना होगा ये प्रोसेस है कौन सा। जब हम पहचानने की बारी पे आ जाते हैं ना तो पहचानने के अंदर सबसे पहले हमने देख लिया कि ट्रेनिंग है, ठीक है, लेकिन उसने बोला नहीं पहचानना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, उसने नहीं कहा पहचानो, उसने कहा हमें मेरे को फोर बेनिफिट्स चाहिए, तो तुम्हारे पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो फोर बेनिफिट्स के हैं, चार के तीन लिखोगे तीन मिल जाएंगे और चार लिखोगे चार के चार मिल जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड एन्यूमरेट एनी फोर बेनिफिट्स, तो एक नंबर हमारा होता प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का, तीन नंबर होते बेनिफिट्स के, पर वो वहां चार नहीं कहता, वो तीन ही कहता क्योंकि इजिली डिविजिबल है, या फिर कहता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड एन्यूमरेट एनी फोर पॉइंटर्स, तो वहां क्या होता एक नंबर आइडेंटिफिकेशन का, एक नंबर एक्सप्लेनेशन का और दो नंबर चार पॉइंटर्स के, हाफ हाफ ईच, ठीक है, वेरी सिंपल, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद अगर हम फिर से आगे बढ़ते हैं तो वेरी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, चार बैरियर्स बताने तो हम बता दोगे। फिर केस स्टडी आती है जहां कहते हैं आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज। अब यहां कुछ इंसेंटिव्स की बात की गई है, उनको पहले तो पहचानो और फिर एक्सप्लेन कर दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 ये देखो, इंसेंटिव्स बीइंग गिवन बाय टू द एम्प्लॉयज आर, एक दो तीन चार, चारों को पहले इसने हेडिंग लिखी है, जॉब एनरिचमेंट मिल रहा है भैया, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, परक्यूसाइट्स मिल रहे हैं और को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये उसने पहचाना, पहचानने के ही इसको दो नंबर पक्के हो गए। अगर तुमने ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया तो टू मार्क्स हो गए, लेकिन अगर तुमने आइडेंटिफाई गलत कर लिया और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सही भी लिख दी तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तो गिव ड्यू टाइम टू आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हाफ तो वही दे रहा है, बचा हुआ हाफ भी उस पर डिपेंडेंट है, तो ढंग से आइडेंटिफाई करके फिर ही लिखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत मचाना। आगे बढ़ते हुए फिर से वो सेम स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है इसने एंड कहता है शो द वर्किंग। अब जब इसने स्पेसिफिकली कह दिया शो द वर्किंग, मतलब वर्किंग के भी मार्क्स होंगे, ठीक है। 29th क्वेश्चन अगर मैं जाऊँ, हाँ, अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसने प्रॉपर ऐसे बनाया है एंड इसके डायरेक्ट तीन नंबर तो मैं मिल रहे हैं, आई गेस चार का था, चार नंबर का था, तीन नंबर तो मैं प्रॉपर वर्किंग के मिल रहे हैं जो तुमने दिखाई है यहाँ पे कि क्या कैसे भैया सीन चल रहा है। उसके बाद एक नंबर मिल रहा है फाइनल कंक्लूजन का, जो उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, वो सॉल्व भी तो हो ना, जो कंक्लूजन उसने मांगा है, जो तुमसे चाह रहा है वो भी तो उसको मिले, तो वन मार्क उसका मिलेगा बाद में और तीन नंबर उसकी वर्किंग के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 30th क्वेश्चन, जो कि आगे सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, बट हाँ, एन्यूमरेट एनी फोर पॉइंट्स इन ऑर्डर टू एनेबल हिम टू अचीव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फोर पॉइंट्स बता दो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, तुम यहाँ कोई भी चार पॉइंट लिखो, एक लाइन की एक नंबर है, बहुत सिंपल है। दैट डजंट मीन चार नंबर का क्वेश्चन है तो 40 पेज भर, नहीं, अगर उसने सिंपल क्वेश्चन में डिमांड ही इस तरह से रखी है, तुम चार क्वेश्चन, चार नंबर के क्वेश्चन को एक डेढ़ पेज में भी खत्म कर सकते हो, चार नंबर के क्वेश्चन को तीन पेज तक भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट जस्ट मैटर्स कि किस चीज की कहाँ डिमांड है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, तो यानी कि चार में से तीन हमें बतानी है, ठीक है, जो तुम कंफर्टेबल वो बताओ, टू मार्क्स ईच है, ये तो वेरी ही ऑब्वियस हो जाता है। अब अगर हमें पता है कि एक पॉइंट पे दो मार्क्स टिके हुए हैं तो हमें ढंग से समझाना है, एग्जांपल देना है, जितना हो सके इलैबोरेट करना है। अब यहां पे इन्होंने मेथड स्टडी को इतना लंबा एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू पॉइंट्स हैं। इफ आई हाईलाइट तो यहाँ पे भैया वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब डिटरमाइन द बेस्ट वे राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एवरी एक्टिविटी असेंबली लाइन कंसेप्ट यूज्ड वेरी ऑटो कंपनीज में होता है मैक्सिमाइज द क्वालिटी सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर ऑपरेशन रिसर्च डिजाइनिंग अ कार। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज है, ठीक है, और इसी एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज से जो वैल्यू पॉइंट्स निकलते हैं वही एग्जामिनर तुम्हारी आंसर शीट में ढूंढता है। चाहे तुम 40 पेज भर दो, अगर ये बातें नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक पेज भरोगे ये बातें तो मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। दैट्स व्हाट मैटर्स, that's what examiner wants to take and in return of that he'll give you marks that you deserve, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार, the pros and cons of each alternative needs to be weighted, name and briefly explain the logical steps in the process of planning which are following by the manager before performing the steps highlighted in the above statement।
प्रोज एंड कोज ऑफ द ईच ऑल्टरनेटिव नीड टू बी वेटेड. ये कहाँ की लाइन है, सुनी सुनी लग रही है ना, ये प्लानिंग की लाइन है. नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ये तो इसने बता दिया. यहाँ तो मैं प्लानिंग आइडेंटिफाई करने के कोई मार्क्स नहीं मिले क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही बता दिया. अब भैया सबसे पहले तो लॉजिकल स्टेप्स के सारे नाम दो, फिर उनको एक्सप्लेन कर दो 6 मार्क्स में. 7 स्टेप है तो सिंपल सी बात यही बनती है यहाँ पे कि हमें 7 स्टेप्स लिखने हैं, बताने हैं, एंड ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 मार्क ईच हमें मिलने वाला है. ठीक है, स्टेप्स जो है यहाँ पे हाफ मार्क फॉर हेडिंग, हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. जो 1 मार्क है उस 1 मार्क के भी 2 डिवीजन है, हाफ एंड हाफ, क्योंकि तुम्हें जो स्टेप्स का नेम बताना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इंश्योर्स कि हमारे जो स्टेप्स के नेम है वो एज इट इज एनसीईआरटी वाले रहने चाहिए. उसको हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. हेडिंग के नाम तुम्हें यही एज इट इज याद करने होंगे मेरे भाई. ठीक है, समझो इस चीज को. ये हमने जब याद कर लिया, बहुत सिंपल, बहुत ऑब्वियस सी चीज है. उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जोजो, एंड जोजो इज अ कंपनी जो कुछ करती है, कुछ बनाती है. बहुत बड़ी केस स्टडी, बाद में पढ़ेंगे कभी. बाय कोटिंग द लाइंस गिवन अबव, मैंने हमें हमेशा बताया केस स्टडी में लाइंस कोट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, बट नहीं कहा तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स ही कटेंगे. यहां इसने कहा बाय कोटिंग द लाइंस गिवन अबव, मतलब लाइंस कोट करने के भी मार्क्स है. आइडेंटिफाई करो एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव. सब कुछ करो, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, लाइंस कोट करो, सब कुछ कर दो इसके लिए. ठीक है, हाँ. अब यहां पे क्या सिस्टम है भैया, 1, 1, 2 × 4, 6, मतलब हाफ मार्क फॉर कोटिंग, हाफ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग. यानी कि 1.5 नंबर बनता है एक पॉइंट का. ऐसे तुम्हारे पास 4 पॉइंट है, टोटल 6 नंबर इस तरह से बन जाएंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हाईलाइट हुई है. ठीक है, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, इससे क्विक डिसीजन मेकिंग लगता है. उसके बाद हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटीज, इससे डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर लगता है. देन आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर्स, इससे डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स लग रहा है. दिस मेक्स द पॉसिबल, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड डिपार्टमेंट कैन इंडिविजुअल हेड ऑफ. ये लाइन है एज इट इज पूरी, इससे बेटर कंट्रोल हाईलाइट होता है. अब तुम अगर देखो तो इसने एक्सप्लेन 1 लाइन के अंदर अंदर कर दिया सब कुछ, मतलब हार्डली 1 या 2 लाइनों के अंदर एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि वो सिर्फ आधे मार्क्स की है. तुम देखो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कुछ बताना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू डिसाइफर कि भैया 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है 1, 1 and 1.5 मार्क का एक पॉइंट, जिसमें से हाफ मार्क मेरा हो गया कोटिंग का, हाफ मार्क मेरा हो गया पॉइंटर का. द एक्सप्लेनेशन जस्ट वेज हाफ मार्क, तो मुझे उसको हाफ मार्क जितनी ही लेंथ देनी है, मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं फरमानी है उस पर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग विच द फर्म विल बी इन्वॉल्व्ड इन अपार्ट फ्रॉम दोज मेंशन अबव. इट्स ऑलरेडी परफॉर्म, देखो पहचानो. ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताने जो वो कर रही है उसके अलावा, ठीक है, 4 फंक्शन बताने हैं तो ऑब्वियसली भैया एक फंक्शन 1.5 नंबर का हो गया. अब कॉमन सेंस कहती है अगर एक फंक्शन 1.5 नंबर का हो गया है तो हेडिंग तो हाफ मार्क की ही रहेगी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी कर देंगे, एंड दैट वुड गिव अस 1 मार्क ईच एक्सप्लेनेशन. थोड़ी थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन आ गई, दैट्स इट. रियली 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 सिंपल. हमने पूरा देख लिया, हमने पूरा समझ लिया, सारी बात समझ तो आ गई. हाँ भैया कहना क्या चाहते हो, चल क्या रहा है, सिस्टम कैसा, बहुत ही सिंपल है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट लाइक टू से कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बोर्ड बूस्टर को भूलना मत. ठीक है, बोर्ड बूस्टर बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, मैंने खुद एक एक चैप्टर को ढंग से स्क्रिप्ट करके, ढंग से अच्छे रेलेवेंट फनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स लेके सब कुछ समझाया. देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी. और जितने फन से हमने सारा कुछ पढ़ा है तो मैं पता मिलेगा सिलेबस कब खत्म हो गया. चैनल सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं कल एक और बढ़िया वीडियो के साथ, जो भी जैसे भी होगा, एंड विल हैव अ लुक. तब तक के लिए जो भी हो बताना जरूर. थैंक यू सो